हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आज आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का एलिवेशन तो आप ऑलरेडी खुद से देख ही रहे हैं, क्या डिफरेंट एलिवेशन में आज आपके लिए घर लेकर आए हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 104 गज में, बिल्कुल सही सुना है, 104 गज में ये वाला आपको मिल रहा है। और इतना खूबसूरत साइज तो माना छोटा सुनने में लग रहा है, बट घर देखेंगे तो आपको डेफिनेटली नहीं लगने वाला, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया गया है। जो छोटी फैमिली है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न इनफ होने वाला है। इसमें आपको 4 BHK के ऑप्शन मिलते हैं एंड 3 BHK का ऑप्शन भी मिल रहा है, प्लस डुप्लेक्स का भी ऑप्शन मिल रहा है। सो काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं विद द सेम एलिवेशन। एलिवेशन तो आप देख रहे हैं काफ़ी डिफरेंट है और बहुत ही कमाल है। सेलिब्रेशन की बात थोड़ी सी देर में करते हैं, पहले बात कर रहे थे मेरे इंट्रोडक्शन की। सो मेरा नाम मनीषा, हर बार की तरह आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैरी दत्त पर। जिन्होंने भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आगे आने वाली हमारी जितनी वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करें एलिवेशन से बात। ये देखिए, ये एलिवेशन है आज के घर का, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लुक के साथ है एंड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लुक में है। जो हम 100 गज के विलास देखते हैं उनका जो एलिवेशन है और जो इसका एलिवेशन है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट निकल के आया है। काफ़ी कमाल का यहाँ पे जो काम है देखने को मिल रहा है। तो 104 गज का है साइज, मैंने बता दिया। बात की जाए अगर लोकेशन की तो आज लेकर आए आप सभी को सनी इनक्लेव सेक्टर 124 मोहाली के अंदर एंड काफ़ी अच्छी इन्वेंट्री आपके लिए बिल्कुल चुनकर लेकर आ चुके हैं, वो भी गेटेड सोसाइटी के अंदर। क्या बात है, गेटेड सोसाइटी के अंदर आपको छोटा सा पार्क भी मिल रहा है, घर तो आपको मिल ही रहा है कमाल का। पार्किंग की बात की जाए, पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज घर के बाहर आपको एक अच्छी सी वाइड रोड मिल जा रही है। घर के बाहर ही आप पार्क कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ रहेगी आपकी गाड़ी, क्योंकि सिंस हमारा जो सोसाइटी है, हमारी जो कम्युनिटी है वो गेटेड है। इसीलिए तो हमने एलिवेशन की बात कर ली, लोकेशन की हमने बात कर ली, पार्किंग में मैं बता चुकी हूँ कि घर के बाहर आपकी पार्किंग हो जाएगी। बात कर लेते हैं अब घर के अंदर की। सो घर के अंदर जो ये वाला स्पेस है, ये स्पेस आ जाता है यहाँ पे ना, आप अपनी टू व्हीलर्स वगैरह पार्क कर सकते हैं या एक छोटी छोटी साइज की जो गाड़ी होती है वो आ जाएगी आराम से। वैसे अंदर आपको पार्क करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है डेफिनेटली। बाकी टू व्हीलर्स तो आपके ईजिली घर के अंदर यहाँ पर पार्क हो जाएंगे। और इसी घर के अंदर 104 गज के घर के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर एक छोटा ग्रीन स्पेस भी। नाइस, ग्रीन स्पेस भी आपको घर के अंदर देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब एक ग्रीनरी को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। यूजली क्या होता है 100 गज में ये कवर भी किया जा सकता था, टाइल भी यहाँ पे आ सकती थी, बट टाइल को ना रखते हुए यहाँ पे ग्रीन स्पेस दे दिया गया है ताकि घर और ज़्यादा खूबसूरत लगे। और प्लस चॉइस ऑफ टाइल काफ़ी अच्छी है, चॉइस ऑफ कलर बहुत अच्छा है, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल कलर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्टेयर्स ये हम जो सैम्पल देख रहे हैं 4 BHK का हम देख रहे हैं, सेम एज इट इज़ भी आपको मिल जाएगा। सेमी फर्निश्ड का ऑप्शन आपको मिल रहा है और फुली फर्निश्ड का भी मिल रहा है। मतलब फुली फर्निश्ड अगर आप लेना चाहें जैसा आप देख रहे हैं एज इट इज़ तो आपको मिल जाएगा, बस कॉस्टिंग ऊपर हो जाएगी। सो स्टेयर्स आपके बाहर से आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, जैसे हमने नीचे देखा है वैसे ही हम ऊपर देखेंगे। अभी चलते हैं सीधा नीचे देखने के लिए, ग्राउंड फ्लोर को देखने के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे 2 bedrooms अटैच्ड वॉशरूम प्लस ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया एंड द किचन। सो हम पहुंच चुके हैं सीधा हमारी मेन एंट्रेंस पे। ये हमारी मेन एंट्रेंस है घर की, एक अच्छी लुक के साथ, और प्रॉपर वुडन का डोर है विद डिजिटल लॉक है ताकि जो आपका फिंगरप्रिंट है और पासकोड है उसी से ही ओपन होगा एंड प्लस आपकी सिक्योरिटी प्रॉपर बनी रहेगी, चाबी वाला कोई लोचा ही नहीं है। तो चलते हैं सीधा घर के अंदर, आ जाइए। तो जैसे ही हम घर के अंदर एंटर करते हैं सबसे पहले तो देखने को हमें मिल रहा है हमारा ड्राइंग एरिया। बहुत ही अच्छा साइज़ है, बहुत ही अच्छा स्पेस है, मैनेज काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है ड्राइंग एरिया को, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस हमारा आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले देखने की बात यह है कि काफ़ी अच्छी सी विंडो यहाँ पर लगाई गई है, कर्टन बहुत सुंदर लग रहे हैं, बाहर का व्यू हमें मिलता रहेगा, प्लस हमारा एक छोटा सा जो गार्डन है उसका भी जो व्यू है वो मिलता रहेगा। ग्रीन स्पेस है, मैं तो गार्डन ही बोलूँगी, घर में इतना स्पेस मिल रहा है वो भी बहुत मोर देन एनफ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका टीवी पैनल इस तरफ को प्लेस किया गया है, यहाँ पे आपका टीवी पैनल आ गया एंड प्रॉपर पीछे आप देखेंगे तो वुडन का काफी अच्छा वर्क देखने को मिल रहा है। मतलब वुडन का काम आप घर के अंदर ले आइए तो काफी अच्छा लगने लग जाता है, घर और ही ज्यादा लग्जरी लगने लग जाता है।
एंड देन उसके बाद बात की जाए डाइनिंग एरिया की, तो ये आपका डाइनिंग स्पेस इस तरफ को आ जाता है, ये आपका डाइनिंग एरिया है। तो यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद भी हमें मूव करने के लिए देखिए काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। इस तरफ को वॉल पे काम की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइनर वर्क हमें देखने को मिल रहा है वॉल के ऊपर, प्लस जो लाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैंसी यहाँ पे यूज़ की गई हैं। एंड देन इस तरफ को भी बात करें तो ये है, ये प्रॉपर वॉल पेपर का वर्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली आपको वॉलपेपर का चॉइस मिल जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कोई और वॉलपेपर पे आप जाना चाहेंगे, बिकॉज काफ़ी अच्छा वॉलपेपर है, बिल्कुल बेसिक सोबर सा वॉलपेपर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड देन बात की जाए किचन की, ऑफकोर्स तो आइए किचन की ओर बढ़ते हैं सीधा। सो ये आता है किचन, और काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ, काफ़ी अच्छी स्टोरेज के साथ हमें ये हमारा किचन मिल रहा है 104 गज के घर के अंदर, काफ़ी अच्छा से। इधर आपका सेपरेट फ्रिज आ जाएगा। कैबिनेट्स की बात की जाए तो अपर कैबिनेट्स काफ़ी सारे हैं, लोअर कैबिनेट्स काफ़ी सारे हैं। इधर आपके डबल सिंक आ गए, डबल सिंक के बिल्कुल सामने आपका साथ में ही आपका विंडो आ जाता है, एक बाहर का व्यू आपका बना रहेगा। जो क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए आपके किचन के अंदर वो प्रॉपर होती रहेगी, प्लस आपका चिमनी इधर आ गया, नीचे हॉफ स्पेस आ गया। तो ऑल ओवर हम बात करें इस किचन की तो काफ़ी अच्छा किचन यहाँ पर तैयार किया गया है, एंड स्पेस की बात करें तो मैनेज भी काफ़ी अच्छे तरीके से स्पेस को किया गया है। फाइनली बारी आती है बेडरूम्स को चेकआउट करने की, तो चलते हैं सीधा फर्स्ट बेडरूम की ओर। सो ये है फर्स्ट बेडरूम हमारे इस घर का, ग्राउंड फ्लोर पे आता है, बहुत ही खूबसूरत आपका फर्स्ट बेडरूम यहाँ पर। सो सेंटर में आपका बेड है, साइड टेबल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, पीछे आप देखेंगे तो वॉलपेपर का वर्क आपको मिल रहा है, ऊपर आप देखेंगे तो आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है विद LED लाइट्स। एंड देन उसके बाद इस तरफ को बात करें तो ये आपका TV पैनल है जो बिल्कुल आपके बेड के सामने प्लेस किया गया है, ये आपका TV पैनल आ जाता है, यहाँ पे आप अपना कोई भी साइज़ का TV आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद बात करें अगर हम अटैच्ड वॉशरूम की तो इधर आपका अटैच्ड वॉशरूम आ जाता है, ये देखिए। तो ये आपका अटैच्ड वॉशरूम है, इसमें भी टाइल की बात करें तो काफ़ी अच्छी टाइल यूज़ की गई है, बिल्कुल सोबर टाइल है, कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। इस तरफ का आपका वैनिटी स्पेस आ गया, जैकवार की फिटिंग कर दी गई है, एंड देन शावर एरिया इस तरफ को आ गया। अरे इस बेडरूम का मैंने सॉरी आपको वार्डरोब स्पेस नहीं दिखाया है, ये आपका वार्डरोब एरिया आ गया इधर। सो इतनी हमें स्पेस मिल जाती है, ऊपर भी स्टोरेज है, सेंटर में भी स्टोरेज मिल रही है, एंड देन नीचे भी आपको स्टोरेज मिल रही है, तो एक अच्छा स्पेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारे इस वार्डरोब में। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसी बेडरूम से आपको एक्सेस मिल रहा है पीछे बैकयार्ड का, जहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया होगा, एक थोड़ा सा वॉशिंग एरिया मिल रहा है जहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन इजीली फिटन होगा, एंड वहाँ पे आप अपने क्लोथ्स को वॉश कर सकते हैं। अब चलते हैं सीधा सेकंड बेडरूम की ओर। सो ये आता है आपका सेकंड बेडरूम। बेडरूम की भी बात करें तो बिल्कुल सेम साइज है, डिसेंट साइज मिल रहा है बेडरूम का हमें, सेंटर में बेड है, साइड टेबल्स भी हमें मिल रहे हैं क्योंकि स्पेस हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप सेमी फर्निश ले रहे हैं तो आपका बेड कैसे आएगा, साइड टेबल्स कैसे आएंगे, स्पेस कितना आपको बचेगा मूव करने के लिए, तो वो बेस्ट हो जाता है कि सैम्पल हमें देखने को मिल जाता है, उसकी वजह से हमें आइडिया लग जाता है। बेस्ट पार्ट ये है बेड बैक पे भी काफ़ी वॉलपेपर का काम हमें नज़र आ रहा है देखने को अच्छा सा। सामने हम देखेंगे तो यहाँ पर TV पैनल आ जाता है, साथ ही में एक एरिया आपको मिल रहा है जिसपे मिरर का वर्क दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड देन ऊपर आप देखेंगे तो आपका फॉल सीलिंग आता है जो कि विद LED लाइट्स है। और इसके बाद आपके वार्डरोब्स मैं आपको दिखा देती हूँ, इधर ये देखिए। सो ये आपके वार्डरोब्स आ जाते हैं, ब्लैक थीम के साथ हैं, नीचे स्टोरेज है, सेंटर में स्टोरेज है, एंड देन ऊपर भी स्टोरेज है, तो क्लोथ्स तो आपके इजीली फिटन हो जाएंगे, कोई भी इशू नहीं आएगा स्टोरेज में। एंड उसके बाद अब दिखाती हूँ मैं आपको आपका अटैच्ड वॉशरूम।
ये देखिए, तो ये आपका अटैच्ड वॉशरूम आ गया। यहाँ पे भी डिसेंट टाइल्स यूज़ की गई हैं, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। इस तरफ को आपका शावर एरिया आ गया एंड देन इस तरफ को आपका वैनिटी स्पेस आ गया। और इसी बेडरूम में अगर बात करें विंडो की, तो ऑफकोर्स वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेंटिलेशन के लिए इधर विंडो आ गई, ये विंडो है ताकि सनलाइट भी आपको मिलता रहे, वेंटिलेशन भी प्रॉपर होता रहे। बैकयार्ड में आपके जाने के लिए, जो आपका वॉशिंग एरिया है, वहाँ जाने के लिए आपको आपके फर्स्ट बेडरूम से ही एक्सेस मिल रहा है। और अब इसके बाद चलते हैं सीधा सेकेंड फ्लोर पे, वहाँ पे भी हमें दो और बेडरूम्स देखने हैं। एंड चलते हैं सीधा बाहर, आपने देख ही लिए थे स्टेयर्स, वहीं से चलेंगे सीधा ऊपर, आ जाइए। सो हम पहुंच चुके हैं सीधा सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पर आते ही पहले तो आपका बालकनी वाला स्पेस इधर आ जाता है, और उसके बाद ये है आपका ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस। जैसे हमने नीचे देखा था बिल्कुल एज इट इज ही है, लेआउट बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर ये है कि फर्नीचर नहीं है और इंटीरियर नहीं है, मतलब इंटीरियर में ऑफकोर्स फॉल सीलिंग वगैरह तो है ही है। और फिर उसके बाद इधर आपका किचन आ गया, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे हमने नीचे देखा, कोई साइज में डिफरेंस नहीं है, नथिंग। उसके बाद थर्ड बेडरूम, ऑफ कोर्स ये आपका थर्ड बेडरूम आ गया। यहाँ पे भी आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है, वार्डरोब बिल्कुल एज इट इज सेम है जिसे हमने नीचे देखा। एंड उसके बाद टीवी पैनल यहाँ पर है, बिल्कुल सेम एज इट इज। और उसके बाद अटैच्ड वॉशरूम जो कि इधर आ जाता है। बस यहाँ पे ऑफ कोर्स ये है कि चेंज ये टाइल्स चेंज है, नीचे फ्लोरिंग चेंज है, नीचे कुछ और है, ऊपर कुछ और है। एंड यहाँ से आपको एक्सेस मिल रहा है आपके बैक बालकनी का, जो अगेन आपका वॉशिंग स्पेस रहेगा क्योंकि वहाँ पे एक टैप है और एक स्विच है। और उसके बाद ये है आपका फोर्थ एंड लास्ट बेडरूम, ये देखिए ये आपका फोर्थ एंड लास्ट बेडरूम आ गया। इसमें भी आपकी फॉल सीलिंग आ जाती है, इस तरफ को आपके वार्डरोब्स हैं विद स्लाइडिंग डोर। एंड देन टीवी आपका कहाँ प्लेस होगा, यहाँ पर इधर आपका टीवी आ जाएगा, और उसके बाद अटैच्ड वॉशरूम इस तरफ को। सो ये आपका अटैच्ड वॉशरूम आ गया इधर। यहाँ पे भी टाइल्स बिल्कुल डिफरेंट है,